अपने पराए की पहचान जो करावे। अरे पहलवान आ गया भाई। आ लिया भाई। और गांव में सब ठीक ठाक? गांव में तो सब बढ़िया, पर मेरी गलती से मुकदमा जुड़ गया। वहाँ कैसा मुकदमा? अरे मन्ना की लौंडे छेड़ दी और उसका भाई पीट दिया। वह उनके घर वाले ने मुझे और बापू को पंचायत में जोत दिया। अच्छा फिर? फिर के मैं और बापू अपने अपने लठ लेके पहुंच गए वहाँ। अच्छा फिर? फिर के लौंडी लड़ी छेड़ने में तो ऐसे ही हो, मेरी तो इज्जत बच गई, बापू को दो चार जूते लग गए। अरे यार तने मोसा पिटवा दिया। मैं भी सालों को छोड़ू नी, पंजो पे भगा भगा के मारूंगा। हाँ खूब भगा भगा के मारिए और खुद भी भगिए पीछे। यार एक काम कर सके तू? हाँ बता। यार भाभी के हाथ का खाना खवा दे, कसम से मजा आ जाएगा। बुला ले उसे, बना लेगी और खा भी लेगी। कह तो सही रहा तू, सही बात बिल्कुल। अब मिला तू? हाँ मिला। हेलो। हेलो। हाँ अच्छा सुनो। बोलो। आज आप कमरे पे आ जाओ, आपके हाथों का खाना खाने का बहुत मन कर रहा। ऐसे अच्छा नहीं लगता। तुम्हें मुझे पे यकीन नहीं है क्या? चलो मैं आ जाऊंगी आधे घंटे में, पर ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगी। खाना खा के चली जाना। ठीक है अब मैं रखती हूँ, जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ। ओके। दैट्स राइट। वाह बेटे मौज कर दी आज तो। यस। सिट्टी भाई तू दिक्कत क्यों मान रहा है? अरे किशोर। हाँ भैया। भाई अरे उसके श्यामों का एक पंचायत सी है, मैं तो वहाँ जाऊँगा, एक डेढ़ घंटा लग जाएगा। ठीक है मैं वहाँ हो जाऊँ, तुम काम धंधा देखते रहियो। गया बुड्ढा, बस अब यही मौका है, इससे बढ़िया मौका मिलेगा भी नहीं। चल बेटा। कहाँ हो सकते हैं, इसमें क्या है, इसमें देखता हूं। अरे बुड्ढे ने कहां रख दिए कागज? शायद ये हैं। ओहो बुड्ढा बड़ा शाना, तो यहां रखे हैं कागज। अब मौका मिल गया, अब बताएंगे बुड्ढे को भी हम क्या चीज है। चल अब भैया को बताता हूं। जितेंद्र। अरे जितेंद्र। अरे क्या हुआ किशोर, कैसे चिल्ला रहा? ये देख जमीन के कागज। वाह मेरे शेर तैने तो कमाल कर दिया। एक काम कर, आज ही चलते हैं खतौली में, एक साहूकार है मेरे मिलने वाला। ठीक है उससे बात करते हैं। चलते हैं अपनी गाड़ी चलते हैं। और अपनी सी चलेंगे और किससे चलेंगे? नीचे लेने गया था उसे, पता ना यहीं लाऊंगा या कहीं और लेके उठ गया। आइए आओ ना। अरे राधा को लाया, आई ना हूं। आइए आइए स्वागत है आपका। थैंक यू भैया, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप सुनाओ। मैं ठीक हूँ। अरे बैठने तो दे सिट्टी। हाँ मैं कौन सा तमें हत्ता भगा रहा हूँ, तुम बैठो मैं कोल्ड ड्रिंक लेके आ रहा हूँ। एक काम करिए, इस गली में अगर ठंडी ना मिले ना, दूसरी गली में तलाइए। हाँ? लाइए बिल्कुल ठंडी। हाँ हाँ मैं ठंडी लेवा और क्या, मैं हीटर पे गर्म करके ले रहा हूँ, तू ठंडा हो। बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई। तो और के कारण आई है? तुम्हें अपने हाथों से खाना बना के खिलाने के लिए। मुझे अभी भूख ना है, जब भूख होगी तो बता दूंगा। तो जब भूख लगी आए तब मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी। अच्छा। हाँ और क्या, तुम्हें मेरी याद नहीं आई? आई थी पर आप गाँव में थे। अगर मैं यहाँ होता तो आकर तुम्हारे गले लग जाती। अब तो मैं यही हूँ। पर अब याद नहीं आ रही है ना। तू एक काम कर, तू जा आश्रम में, मैं अपना रोटी वोटी अपना आप बना लूंगा। तुम्हें छोड़कर तो मैं कभी नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें कभी जाने भी नहीं दूंगा।
लो आ गया आपका दोस्त। जी राम, 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 राम राम भाई, राम राम। आओ बैठो। तुम तो महेंद्र प्रधान जी के भाई दिखो। हाँ जी, बड़े भाई हैं वो हमारे। तबीयत कैसी है वो उनकी? अजी उनका मामला तो बहुत खराब है, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। ऐसी कौन सी बीमारी होगी उनका? अजी उनका दिल खराब हो गया जी, वो बदला जाएगा। अरे यार, वे तो ना कभी बीड़ी ना दारू कुछ भी नहीं पिया करते थे, तबीयत कैसे खराब होगी उनकी? बस जी, जैसे ऊपर वाले की मर्जी, जो उसने लिख दिया, हमारा काम है उनकी सेवा करना, चाहे हमारा सब कुछ बिक जा, हमने तो दिल का जुगाड़ भी कर लिया। पर वो 20 लाख रुपए मांग रहे हैं। बस जी, इसलिए हम थार दूर आए हैं, ये जमीन के कागज हैं, आप थोड़ी मदद कर दो हमारी। देखो भाई, प्रधान जी के लिए तो किसी भी काम के लिए मना नहीं है, पर म्याद 4 महीने की होगी, ब्याज हर महीने देना होगा। सबसे तो लेता हूँ 3% का, लेकिन प्रधान जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, 2% का ब्याज लगेगा। ठीक है जी। एक बात सुन लो मेरी, अगर 3 महीने तक लगातार ब्याज ना आया ना, तो जमीन भारी हो जाएगी। ठीक है जी, ठीक। हर महीने ब्याज टाइम से दे दिया करेंगे। शिवांक, 5 लाख रुपए रखे अलमारी में, लेकर आ जा। अभी लाया। देखो भाई, तुम्हें सारी कंडीशन बता दी मैंने, ब्याज एक भी महीने लेट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जी, टाइम से मिलेगा, निश्चिंत रहो। ध्यान रखियो। लो सेठ जी, लो पकड़ो, 5 लाख रुपए हैं जी, बाकी के पैसे में बैंक की किताब ला रहा, बैंक में जाकर भी दे दूंगा। ठीक है जी, ठीक है जी। पैसा लेते हैं, यहाँ से निकल लेंगे हम। कैसी बात कर रहा है, इतने से क्या हो रहा, अभी तो जमीन घर वर सब कुछ बेचना, 3 महीने का टाइम है अपने पास। सब कुछ बेच देंगे। चलो भाई, चलो। अरे क्या आप बता कि कैसे नौकरी बना फिर है? अरे मेरी जान, मेरा सपना पूरा हो गया। कौन सा सपना? राधा का बाप मान गया के, पर उसके तो बाप ही ना। तेरे भाई का नंबर क्राइम ब्रांच में आ गया। ओ बेटे, मजा आ गया, अब तो खुलेआम लड़की छेड़ूंगा। अरे चुप, पहले पिताजी को बता दूं। हाँ। चाचा 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 चाचा, ये रहा चाचा। अरे कौन है साले, इस मोहन ने भी खोपड़े खा रखा है। तो कितने फोन मिले जाइए, हम तेरी बात होने ना देवे। यू चाचा भी कभी फोन ठाता ही नहीं। हाँ। चल घर बाद में बता दूंगा, मैं फोन करता हूँ मेरी राधा को। वाह बेटे, मेरी राधा। अबे फोन पे बताने की बात ना आयू, मिल के बताने की बात है। जो खुशी देखेगा ना उसके चेहरे पे, वो होता है सच्चा प्यार। आज पहली बार है ना तेरे दिमाग में कोई बहुत अच्छी बात आई है। पार्क में बुलाता हूँ और मिठाई लेके चलेंगे। अबे सस्ते आशिक, हम फुप्पी से मिलने जा रहे हैं, जो मिठाई लेके जाएंगे, कोई महंगा सामान ले चलेंगे। हाँ ठीक है, मैं बुलाता हूँ। बुला। हेलो। हाँ जी जनाब। जल्दी आओ पार्क में, कुछ भी करके, मुझे बहुत जरूरी काम है। इस टाइम धूप में, बहुत तेज धूप है, शाम को मिलते हैं ना? नहीं, मुझे अभी मिलना है। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है, चल चल। हाँ बताओ क्या बात थी। आप एक काम करो, पहले चॉकलेट खाओ। आज चॉकलेट डे है।
चॉकलेट डे है क्या? अरे हमें ना पता, हमें ड्राई डे का तो पता है यार। बताओ ना क्या बात थी। वो मैंने क्राइम ब्रांच का जो टेस्ट दिया था वो क्लियर हो गया है। सच? हाँ सच। ये देखो, इतनी बड़ी खुशखबरी और तुम ये चॉकलेट के साथ दे रहे हो, कंजूस कहीं के। शाम को पार्टी चाहिए आज। हाँ हाँ पक्का। हे भगवान, मेरी खुशी अब इनसे ही है, इनकी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। अरे भाभी तू चिंता मत कर, मैं मौसा से बात कर लूंगा, वे मना ना करने के। तू बात करने की टाली मारी, मैं अपने आप बात कर लूंगा। तेरे कहने तो पिताजी करते होंगे जब ना करने के। राधा, मैं 120 दिन के लिए ट्रेनिंग पे जा रहा हूं, उसके बाद हमारा मिलना होगा। मेरे जन्मदिन में 4 महीने हैं, आज तक मैंने अपना जन्मदिन नहीं मनाया। मैं चाहती हूँ तुम अपनी ट्रेनिंग पूरी करके मेरे सामने आओ और मेरा जन्मदिन मनाओ। जरूर मनाऊंगा, और पहले तेरे पास ही आऊंगा। ए भाई, तेरी गाड़ी का तो पहिया घूम गया भाई, मेरे चकनट कर चढ़ेंगे। वे भी चढ़ जाएंगे भाई, चलो। जितेंद्र, ओ जितेंद्र, क्या हुआ भैया? इस बुड्ढे को तो कोई काम नहीं, पूरे दिन थाली पड़े रहे हैं, बहुत दर्द है, कभी उल्टी कभी क्या, हमें तो परेशान करके रख दिया। दवाई ना खाई थी क्या आज? खाई थी भाई, पर दर्द बहुत है, डॉक्टर के ले चल, डॉक्टर के ले चल। मरने दो इनको, चलो। पता नहीं कब पीछा छूटेगा। कमाल है यार, ये सारी लौंडिया कहाँ गई? कोई दिखाई ना दे रही, सारा ही मोहल्ला खा लिया यार। के फायदा ऐसी पहलवानी का? कोई बात नहीं, आज बापू की खबर ले लूला, यहाँ खर्चा भी खत्म हो रहा। बापू बापू बापू। हेलो हेलो, कौन? 4 दिन दिल्ली के रहन लगया, अपनी औलाद की आवाज भी ना पहचान रहा। बता कैसे फोन करा, घर तो ना रहे तू? बापू फिर खामोखा की बात, मुझे न्यू बता, मेरे घर आने से तुझे क्या परेशानी है? अरे सारी दिक्कत ये है, पहले तो कहीं से पिटो को उठा के लाओ, फिर इलाज कराओ, अलग से बदनामी कराओ, तुझे काम ही क्या है? जो तू मेरे बापू ना होता तो तुझे फोन पे ही ठीक कर देता मैं न्यू कह रहा हूँ, पैसे खत्म हो रहे, 10-12 हजार रुपए मेरे अकाउंट में गिरवा दे। पैसे गिरवाऊ? 10 हजार? पर तू घर की तरफ को झांक मत लिए। अरे बापू तू पैसे गिरवा दे, मैं आके के धार काट दूंगा। और सुन, जो तन्ने अभी पैसे ना गिरवाए तो तड़की मैं आ रहा हूँ और मैं देखूंगा तुझे। चल ठीक है। और बापू पैसे तू भेज लिए, पर एक काम और कर लिए, वहाँ कोई पिटने पिटाने काम मत कर लिए, कभी उठता तीर पकड़ ले, वहाँ कोई छुटाने वाला ना मिले, मैं ना आऊंगा, समझ गया? हाँ। साले ने दुखी कर रखा था, जब से दिल्ली गया चैन से तो रह रहा हूं। अरे अरे सुनिए किशोर, कहने के बाद भी पैसे नहीं दिए था ना। आ जाएंगे बाबूजी,
एक बात सुन ले मेरी ध्यान से। खेत तो पता कर लिया कब जा हमने, आदमी भेज रहा हूँ अपने, और घर थरा खाली करवाकर ताला मारूंगा सुमा। टाइम से खाना खाना और अपना ध्यान रखना और रोज फोन करना। अब तुम मेरी अमानत हो। हाँ हाँ, तू चिंता मत करे। हाँ मुझे पता है। तो साथ ही चलो ना। अभी नहीं, साथ तो दुल्हन बनकर ही जाऊंगी। थोड़े दिनों की तो बात है, तुम मन क्यों भारी कर रही हो? मुझे तुम पर पूरा यकीन है, पर डर लगता है कहीं मेरा नसीब तुम्हें मुझसे दूर ना कर दे। तुम जाते वक्त उल्टी सीधी बातें तो करो मत। मैं यूं गया और यूं आया। एक बात बोलूं? हाँ बोलो ना। जान हो तुम मेरी मोहन, अगर मुझसे दूर हुए ना तुम तो मैं जी नहीं पाऊंगी। ऑटो। आओ भैया, आपको बाथरूम करा लाऊं। भैया, भैया मोहन। क्या हुआ भैया? मोहन को क्या हुआ भैया? पुलिस वाला आया था। हाँ। खबर देने। क्या बात हुई? कह रहा था मोहन को कोरोना हो गया और उसने उसने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। सुन। मोहन दम तोड़ गया। मोहन दम तोड़ दिया मोहन ने। किशोर नहीं, किशोर तू झूठ बोल रहा है। किशोर नहीं भैया, मैं झूठ नहीं बोल रहा। किशोर झूठ बोल रहा है। नहीं भैया, किशोर झूठ बोल रहा है। अपने भाई के साथ सब मजाक न कर, क्यों बर्दाश्त न कर पाए किशोर? ऐसा मजाक मत कर, ऐसा मजाक। देखिए बुड्ढे का काम हो गया क्या? साहूकार के आदमी आ रहे हैं। हाँ, कहीं ऐसा ना हो हमें दिक्कत हो जाए। कौन सा है अंदर? भैया देखो कोई आया। भैया पैसे कब देगा? कौन हो तुम? ऐसे पैसे? वही जो सेठ जी से मंगाए थे बीमारी के नाम के। बीमारी के नाम के? तेरे ये भाई लाए थे, बता कब देगा? 3 दिन का टाइम है, जमीन पे कब्जा कर लेंगे। तेरे भाई ने साइन कर रखे और पूरे 30 लाख ठा रखे। 30 लाख रुपए? साहूकार से ले? हाँ, पूरे 30 लाख। हमारा काम था बताना, 3 दिन का टाइम दे दिया, या तो पैसे दे दो नहीं तो जमीन और घर सब बाबूजी का हो जाओगा। समझ गया? याद रखिए। चल भाई। बुड्ढे, मोहन तो मर गया, अब तू उस घर का क्या करेगा, इस जमीन का क्या करेगा? अब ये जमीन और घर हमारा, हम इसे बेचे। किशोर, तुझे बड़े भैया से बात करने की तमीज नहीं है? बड़े भैया से ऐसे बोलते हैं? अरे बुड्ढे। मोहन तो मर गया। और तू इतना सज धज के क्यों रहता है रे? आ
लाचारी की जिंदगी गुजारनी पड़ी। दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दिया तूने, भिखारी बना दिया, भिखारी बना दिया, पूरा भिखारी बना दिया तूने हमें। तू बड़ा जलील है, अब तक मरा नहीं। अरे बुड्ढे तू और वो तेरे त्रिया चरित्र, पता नहीं कहाँ से गंदा खून लेके आई थी, मर गया रांद कटी, तू भी जी के क्या करेगा, मर जा बुड्ढे। 18 साल हमारे खराब कर दिए, अब हम लेंगे मौज। और सुन, सारा माल निकालते हैं और निकलते हैं यहाँ से। मरने दे बुड्ढे को, आराम से मर। अरे छोड़ ना, मरने दे। कहाँ रह गए आज ये? वैसे तो रोज मेरे आगे ही खड़े पावे थे। इतनी देर में क्यों आए हो? तुमने भी तो रात फोन न उठाया था। मैं तो जल्दी सो गई थी। तो मैं सो के लेट उठा, इसलिए लेट हो गया। जवाब तो हर बात का है मेरे अकलमंद पे। ओए होए, आज तो अपना बता रही है। अब मेरे हो तो अपना ही कहूंगी, या और भी है कोई थारी? ना, अब तो सबको ब्लॉक कर दिया मैंने। ऐसे कितनी थी थारी? थी तो बहुत, पर रिप्लाई किसी ने नहीं दिया। हाँ? जाओ उन्हीं के पास, मुझे नहीं रखनी तुमसे दोस्ती। अजी हाँ, ऐसा कैसे ना रखनी, ऐसा मारवा रहे अपना मुँह पे, फिर किन की हार नाचेगी? मुझ पर हाथ उठाओगे? ना मेरी जान, तुझे नहीं पीट सकता, सच्चा मर्द है सिट्टी, औरत पे हाथ नहीं उठाता। सच कह रहे हो ना? सच कह रहा हूँ, आई लव यू चांदनी, तू मेरी जान है, तुझे तो मैं चांदी की डब्बी में बंद करके अपने दिल में बसाऊंगा। यस।
राधा हो पिताजी तो काफी दिनों से बात भी नहीं हुई। वो कैसे समय पर दवाई ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, क्या करूं, ट्रेनिंग भी नहीं हो पा रही है। दे देना कोई जा
सिटी। अरे सोरा दिखे सिटी। अरे कौन सा है दफेरी का? अरे कोई और भी आना था के? देखता हूँ कौन है। आ, अरे मेरा यार आ गया, मेरी जान आ गया। आजा 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 मेरी जान। आ? और बता क्या हाल है तेरे? अरे भाई हाल के, अकेले का जी नहीं लगता यार। तू बैठ मैं चाय धर लूं। अरे पहले पानी तो पकड़ा दे। हाँ बैठ। भाई वाह, कमरा तो एकदम चमका रखा है। भाई वाह सिट्टी, सुधर गया भाई सिट्टी तो। ले भाई पानी पी दोस्त। ए भाई राधा से मिली आया? अरे ना यार, कहाँ मिला मैं उससे। आज उसका जन्मदिन भी है। आज उसका जन्मदिन मना के सीधा शाम को गांव में जाऊंगा। जब से ट्रेनिंग पे गया हूँ ना पिताजी से बात हुई ना उससे। मुझे पता मैंने ट्रेनिंग कैसे कैसे पूरी करी है। हाँ तो एक काम करिए, शाम को केक कटवा के और परे से निकल जिए। सही कह रहा। चल और बता भाई सिटी, सब बढ़िया? और बढ़िया भाई, फर्स्ट क्लास। बाकी लहू सफाई में लगा रहे हूं। और बता क्या करूं? ना आप जब आया देखा मैंने कि रूम बिल्कुल चमका रखा। क्या बात है। बस और सुना गांव में सब बढ़िया? हाँ जी अब तो सब ठीक है, शांति है। अब तो कोई उलहन आया गांव में? तो उसने कोई फाइट तो ना कर दिया? अब कर दिया हो तो कर दिया, मुझे तो पता नहीं, मैं तो यहाँ पढ़ा हूँ। अच्छा पढ़ाई पे ध्यान दे रहा हूँ। चलो तो कोई फाइट ना भाई सिटी। मेरा कोई फाइट नहीं है जी। ना सही है, पढ़ते रहो। हाँ सिट्टी विट्टी कम कर रखी है, बजा रहे हो? सिट्टी बजा दूं कभी ताल सी देख के, वैसे कम कर रखी है मैंने। चलो ठीक है, शाम को चलते हैं ना केक हाँ, काटने। बिल्कुल दोनों चलेंगे। हाँ हाँ ठीक है। और दोनों बस मैं कपड़े बदल लूं। ठीक है बदल ले। भाई एक बात तो बता, हम यहाँ किसी की कोठी लेके आए गए? अरे तो चुप मर ले, हमेशा यही बात रखे। अली राधा हैप्पी बर्थडे। राधा हैप्पी बर्थडे जी। थैंक यू। कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी एकदम बहुत अच्छा हूँ। अरे बैठने देना, लो आओ बैठो, परे को हो जाए यार सिट्टी। आप कैसे हो? मैं एकदम अच्छा हूँ। और ट्रेनिंग कैसी रही आपकी? ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी रही, लेकिन पिताजी और तुम्हारी बहुत याद आई। अच्छा हाँ क्या हो गया? अरे मूसा जी
कैसे मोहन मेरे बच्चे, मैंने ना मैंने तेरे चाचा को मैंने कहा था तू झूठ बोल रहा है, मेरे मोहन को कुछ नहीं हो सकता, मेरे मोहन को कुछ नहीं हो सकता, मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे क्या बच्चे पिताजी, अब मैं क्राइम ब्रांच का एक अधिकारी बन चुका हूँ और मैं उन कमीनों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो संसार के किसी भी कोने में छिप जाए। राधा, ये मेरे पिताजी हैं और ये यहाँ कब से हैं? जिस दिन तुम ट्रेनिंग पे गए थे उसके 2-3 दिन बाद ये यहाँ आए थे। मोसा, यू राधा है मोहन की पक्की दोस्त। तू रहने दे, मैं अपना आप बता दूंगा। पिताजी, राधा को तो आप जानते ही हैं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और हम दोनों शादी भी करना चाहते हैं। बेटा, एक बात बताऊं, इसने मेरी बहुत सेवा की, बहुत अच्छी नेक दिल बच्ची है ये, इसने मेरी बहुत सेवा की और इसने ही मुझे ठीक किया, अगर ये ना होती ना तो मैं मर जाता। पिताजी, मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, पिताजी।
बहुत शौक है ना तुझे पैसे गिनने का? तू है कौन? तेरी हिम्मत कैसे होगी इतनी ऊंची आवाज में बात करने की? तू जानता नहीं अभी मदन ढंग को, अलग मदन जबान खींच लूंगा। मैं उस बाप की औलाद हूँ जिसने तेरा साथ उस टाइम दिया जब तेरा बेटा घोटाले के केस में जेल जाने वाला था और तू दुनिया के सामने हाथ जोड़ता फिर रहा था, मदद की गुहार लगा रहा था, और तूने उस देवता जैसे इंसान के साथ क्या किया? उसे मजबूर कर दिया। चंद रुपयों की खातिर तूने दर दर की ठोकर खाने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया, दुनिया समाज के सामने बेइज्जत किया। नजरे ऊपर कर एहसान फरामोश, तुझे अब शर्म क्यों आ रही है? 30 लाख की जगह मैं तुझे 60 लाख रुपए दूंगा। लौटा सकता है मेरे पिताजी की इज्जत? है तेरे में दम? है तेरी औकात? करने को तो मैं बहुत कुछ अब भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे सिर्फ माफ करना सिखाया है, इसलिए ही तू यहाँ खड़ा है। वरना जेल की सलाखों के पीछे होता, उन लोगों के साथ होता जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। मक्का बो रखी थी, वाबी लगभग तैयार हो गया, अभी उसे कटवा दियो। जीती रहे बहू, जीती रहे। पिताजी चाय लियूं? ना बेटा, चाय तो रहन दे। पिताजी कुछ तो ले लो। अच्छा एक काम कर, गरम पानी ले आ। अच्छा पिताजी, ठीक है। जा। पिताजी नमस्ते। ठीक भी हो? कैसे खांस रहे हो? बस बेटा ठीक हूँ। और बता तू क्या ले आया यू? मैं माँ वाले है ना, जो जेवर वहाँ कोर्ट में फंसे पड़े थे वे रिलीज करवा कर ले आया। बेटा यू तो अच्छारे वाले भी आया। अपनी माँ की सारी निशानी ले आया। अच्छा ये भी आ गई। अरे मेरा बेटा, अरे अंगूठी भी ले आया। हाँ जी।
पिताजी अब मेरे दिल को शांति मिलगी। इसमें माँ के जेवर हैं, इन्हें तुम धर लो। ना बेटा, अब एक काम कर, इन्हें अपने पास रख, जा इन्हें अंदर सुरक्षित रख दिए कहीं। पिताजी तमी धर लेते, मैं क्या करूँ इनका। बेटा अब तो थारी जिम्मेदारी है, तमी रखो, तमी रखो, जा बेटा ले जा। रखिए और सुन, हाथ मुंह धोले, थक गया होगा, पसीने आ रहे। थारी तबीयत ठीक है अब? हाँ मैं ठीक हूँ। मुसा राम राम। राम राम सिट्टी, बैठ जा राम राम। कब आया बेटा? अभी आया हूँ जी। अच्छा, जिसने करे थे बुरे काम, हाँ उनका बन गया तिहाड़ में धाम। अच्छा, इसी बात पे खाओ मिष्ठान, खाओ खाओ ना। तुम तो एक एक किलो मिठाई एक जगह खड़े होकर खा ले थे, आज की बात होगी। डॉक्टर ने मना कर दी के बेटा सिट्टी, किस बात की मिठाई, इस बात की मिठाई, आज मेरे खून के रिश्ते जेल में बंद है, इस बात की मिठाई मैं खाऊं, या इस बात की मिठाई मैं खाऊं कि मेरे अपने आज जेल के सीखों के पीछे खड़े हैं। अरे सोच, उस जमाने का आदमी हूं जब बारदाने कम थे, सामान कम होते थे, रुकने की रहने की जगह कम होती थी, मगर लोगों के दिलों में जगह होती थी, आपस में एक दूसरे के प्रति प्यार होता था। आज आज हमारे पास कितने बड़े घर हैं, कितने बड़े बारदाने हैं, मगर आज उन्हें बरतने वाले लोग नहीं हैं। इस मकान में कमरे कितने हैं, लेकिन इनमें रहने वाला कोई नहीं है। वे लोग अच्छे थे या बुरे थे, जैसे भी थे, लोभी थे, लालची थे, मगर मेरे अपने थे, मेरा अपना खून थे। उनमें पिछले 4-5 महीनों में दिन नहीं युग जिए हैं। वो जैसे भी थे लालच में करते थे, पर मेरी सेवा करते थे। मैंने एक परिवार जिया है, मैं जानता हूँ एक परिवार की कीमत क्या है। अरे जिस दिन मैं मर जाऊंगा ना, जिस दिन मरकर मैं ऊपर जाऊंगा, और जब हमारे पुरखे मुझसे पूछेंगे ना कि जब खून के रिश्ते जेल के अंदर थे तब मिठाई खा रहा था, क्या जवाब दूंगा मैं उन्हें। अरे आखिर इस जिंदगी का मकसद क्या है, क्या है इस जिंदगी का मकसद। अरे एक तरफ हम जिंदा है तन्हाइयों को खा खा कर, और एक तरफ हमारे अपने हमारी मौत का समय देखते हैं कि कब हमारी आंखें बंद हो और ये धन संपत्ति उनकी हो जाए। आज घरों में झांक कर देख लो, खाली पड़े हैं मकान, आदमी मौजूद नहीं है उनके अंदर, क्या जिंदगी है। आज जब हमें रिश्तों की जरूरत है, भाई बंधुवर की जरूरत है, वे जेल में बंद है। सिटी में मिठाई खा लूं भाई, मैं मिठाई खा लूं, बहुत बहुत गलत है, बहुत गलत है। आप कहां जा रहे हो? मैं जा रहा हूं चाचा और चाची की जमानत करवाने, अपना केस वापस लेने। भगवान उन्हें उनके कर्मों की सजा खुद देगा। वो जैसे भी है तो अपने ही पराए नहीं। रुक जा मोहन, मैं भी चल रहा हूं। तेरे पराए तो मेरे पराए, तेरे अपने मेरे अपने, अब तो तेरे संग जीना तेरे संग मरना, और फिर मेरे भी लागे सिट्टी बजे। जय बाबा की। चल
दिखाई दे।